नमस्कार, तो सीएम शिंदे को दी जाएगी बधाई, एनसीपी चीफ शरद पवार ने क्यों कही ये बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अगर सरकार में शामिल लोग सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं तो वे महाराष्ट्र में युवा संघर्ष यात्रा निकाल रहे युवाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पवार ने पुणे में युवा संघर्ष यात्रा को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आप इन सभी मांगों को सीएम को सौंपे और यदि आप चाहे तो मैं युवाओं द्वारा की गई इन सभी मांगों को लेकर एक बैठक बुलाने के लिए सीएम से बात करूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ बैठक में उपस्थित रहूंगा। शरद पवार ने आगे कहा, सीएम से इन मांगों पर फैसला ले कि समय सीमा के बारे में पूछा जाए और अगर मांगे पूरी हुई तो सीएम को बधाई दी जाएगी, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। शरद पवार ने यह मार्च राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।